સુરતમાં શ્રી લબ્ધે દીક્ષા સપ્તાબ્દી વર્ષનું શ્રી લબ્ધિ વિક્રમ રાજ્ય સૂર્યવંશી જૈન તીર્થ દ્વારા આયોજન કરાયું હતું, જેમાં જૈન કમિશનર એસીપી શ્રીમતી પગાબેન, બીજેપી મંત્રી નેન્સીબેન શાહ, ભાજપ યુવા મોરચાના સભ્ય શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ જૈન, નિશાનભાઈ જૈન અને નીરવ શાહ વિશેષ હાજરી આપી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. आज का कार्यक्रम ये लब्धि विक्रम राजेश्वर जी तीर्थधाम में है और ये कार्यक्रम का एक विशेष महत्व ये है कि आखिर के एक साल से अहिंसा वर्ष चल रहा है. इस अहिंसा वर्ष के भीतर में हम शाकाहार बढ़े, मतलब मांसाहार ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए और साथ साथ में जो एबोर्शन हो रहे हैं इलीगल, वो सारे एबोर्शन बंद हो जाए और सभी जीवों को जीने का एक चांस मिले. साथ साथ में कितने अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं और अपनी कुछ कुछ भावना के लिए, कुछ कुछ बात के लिए देव देवियों के सामने यानी सेक्रीफाइस करते हैं, प्राणियों की बलि देते हैं. ये बहुत बड़ी दर्दनाक चीज है, इनको हमारे को प्रेम से समझाना चाहिए. करने वाले लोगों में कोई गुनाह नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, कोई इतने एजुकेट नहीं है. इनको एजुकेट करना हमारी फर्ज है और समझाना चाहिए कि सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से तो दुखी मिलेगा. और आज काल आप देखते हैं कि अखबारों में पहली बात यह आती है कि फलाने आदमी ने फलाने की हत्या कर दी थी, चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी थी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, किसी ने भाइयों को जला दिया. ये जो हत्या का एक पागलपना चला है, इस पागलपने को किसी भी तरह से रोक में आए, इसकी लोगों में जागृति लेने का प्रकाश है. और साथ में आप सोच लो कि औरों को मारते वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में वो फ्रस्ट्रेट हो जाके आत्महत्या कर लेते हैं. तो ये हमारी आत्महत्या की जो टेंडेंसी है वो भी दूर करना जरूरी है, क्योंकि हमारे हमारे जीवन में से प्रार्थना चली गई है, हमारे जीवन में से कष्ट सहन करना चल रहा है. तो थोड़ा ही कष्ट आते हम तुरंत मौत के मुख की ओर चले जाते हैं. हमें समझाना है कि हजारों विफलता में एक सफलता आएगी, लेकिन जियोगे तो सफलता आएगी, मरने से थोड़ी सफलता आएगी. इसीलिए हमारे को ध्यान में रखना है कि अहिंसा का ये नाद फैलाना है और ये अहिंसा का नाद का प्रारंभ हमारे तीर्थधाम पालीतरा में शुरू हुआ है और इनका अंतिम पड़ाव बम्बई भाईखला में 19
19 अप्रैल को आएगा, उस 19 अप्रैल के दिन ये सारे के सारे अहिंसा के पर अच्छे काम करने वाले 100 आदमियों को भारत भर में से एकत्रित किया जाएगा और इनको अहिंसा अवार्ड प्रदान किया जाएगा। मई दिवसे एक वर्ष थी चालको अहिंसा अमृत वर्षनो परम मंगलमय कार्यक्रम आगळ वधी रह्यो छे। સેંકડો મનુષ્યો આજ અહીંયા અહિંસા લબ્ધિ વિક્રમ રાજેશ્વરેશ્વર તીર્થધામમાં આવ્યા છે અને આ તીર્થધામમાંથી નીકળેલો અહિંસાનો અવાજ સારા વિશ્વમાં પ્રસરે આજે લોકોને સમજ પડી ગઈ છે કે આપણે જીવવું હશે તો બીજાને જીવાડવા પડશે પણ કોઈને મારીને આપણે જીવી શકીશું નહીં। આ વાત સૌ સમજે અને સારા પ્રાણી માત્રને પશુ માત્રને જીવ માત્રને પ્રેમ કરી અને સૌ જીવનમાં આગળ વધે।